हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं फिश के अरीवा। जैसे कि मैं नए नए टॉपिक के बारे में बात करता रहता हूं, तो आज मैं दिखाने वाला हूं। मेरे पास कुछ टैंक आए हुए हैं, मैंने मंगाया था मोल्डेड टैंक, उनकी मैं एक एक करके आपको मैं उनके टैंक दिखाता हूं कौन कौन से मॉडल आए हुए हैं। लेकिन आज हमको एक शिकायत भी है, क्या है, बहुत ऐसे कस्टमर आते हैं तो हमारी शॉप जो है ना, आप देख सकते हैं छोटी सी शॉप है और ये 10x10 की शॉप है। तो सोच लीजिए, बहुत कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो इतनी छोटी शॉप देखने के बाद ना भाग जाते हैं, मतलब कुछ भी बोलते ही नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। इनको प्राइस भी अच्छा दो और हर चीज़ भी अच्छा देने के बाद शॉप छोटी होने का नहीं, ये सोचते हैं वैरायटी नहीं है इसलिए चले जाते हैं। बट हमारे पास रीवा में जितनी भी शॉपें हैं तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरे यहाँ इतनी वैरायटी है क्या बताऊँ, हर वैरायटी है अपने पास, हर टैंक है। और प्राइस रीवा में सबसे सस्ती दुकान हमारी ही है। आप कुछ भी चाहिए आपको, आप एक बार हमारे यहाँ रेट पता कर लें। मार्केट में देखिए क्या होता है, कभी कभी मोल भाव करते हैं लोग, तो मोल भाव में क्या होता है, हमारे यहाँ पता कर लिए फिर जाके वो बोलते हैं उस शॉप में इतने का मिल रहा है। आप हर जगह पता कर लो, हर जगह पता कर लो, उसके बाद हमारे पास आइए और उससे थोड़ा कम नहीं, बहुत कम में आपको डिस्काउंट के साथ आपको एक्वेरियम दिया जाएगा। वहाँ पर ग्लास एक्वेरियम भी मिल जाएंगे और मोल्डेड टैंक भी मिल जाएंगे। और जो अगर नहीं है अपने पास तो वो ऑर्डर पे आ जाएंगे, 2 दिन का समय लगता है, आपको 2 दिन में हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, एडवांस देना होगा, एडवांस पेमेंट देंगे तो वो ऑर्डर पर चला जाएगा, 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, कौन से टैंक आए हैं और मीडियम साइज़ से थोड़े बिग साइज़ के एक्वेरियम मैंने मोल्डेड मंगाया था उसको दिखाता हूँ। चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपको बताता हूँ। ऐसे अंतिम तक आप लास्ट तक मतलब बने रहिएगा वीडियो पे और सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये RS का 380A आया हुआ, 2 पीस आए हुए अपने पास, पूरे ऑर्डर पर आते रहते हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, इसको ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर देखता हूँ कौन सा कलर। ओह माय गॉड, येलो कलर आया है, बहुत शानदार लग रहा है, देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है मेरे को। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको दूसरा वाला भी ओपन करते हैं, दूसरा वाला इसको देखते हैं कौन सा कलर आया हुआ है। हालाँकि बॉक्स में लिखा रहता है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मैं ही ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, अनबॉक्सिंग करने में क्या नहीं मज़ा आता। ये भी बहुत प्यारा कलर है, स्काई ब्लू है और कैमरे पे थोड़ा डार्क आ रहा होगा इसलिए, बहुत प्यारे कलर हैं और बहुत अच्छे टैंक होते हैं। 380 नंबर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड साइज होता है और ये होता है आपका लीटर में क्या होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, दोनों साइड मैंने देखा तो नहीं दिखा, ये साइड में लिखा हुआ है। ये देखिए 30 लीटर का है टैंक, ये 30 लीटर टैंक है, बहुत सही चीज़ है भाई, 30 लीटर में इतना अच्छा कलर और इतना अच्छा मिल जाता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। अब ये देखिए फ्रंट से देखिए कितना सॉलिड लगा है, सॉलिड मतलब ठोस, और क्वालिटी वाइज देखिए कितना अच्छा है, ये बहुत ही प्यारा टैंक लगता है। ब्लैक तो सभी लेते हैं लेकिन ये फंकी कलर बहुत कमी लोग को मिल पाता है, क्या आते ही नहीं ना मंगवाने के बाद, अगर हम इनको बोलते येलो कलर का भेज दो तो येलो कलर का नहीं भेजते भाई, इसलिए मैंने कलर बोला ही नहीं इसमें, कोई भी कलर भेज दो, बस ये एक कलर नहीं भेजना जो है वायलेट, वायलेट इतना अच्छा कलर नहीं होता है। तो हो गया, चलिए कंटिन्यू ऐसे बने रहिएगा। अब इसको देखते हैं जो स्काई ब्लू कलर का था, भी ओपन करते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, हालांकि मोल्डेड टैंक बहुत ही सुंदर होते हैं, कुछ भी कहो अच्छे लगते हैं, क्या है ये एकदम इम्पोर्टेड रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं पानी वानी भरने में, बहुत अच्छा लगता है। वो ग्लास वाले एक्वेरियम थोड़ा सा कम रहते हैं फिनिशिंग, इसलिए थोड़ा सा वो हल्का लगता है, लेकिन ये मोल्डेड टैंक में कोई गारंटी नहीं होती है,
गारंटी किसी में नहीं होती है। गिलास वाले में बस गिलास का आगे का पोर्शन कभी टूटता है तो बदल जाता है, और इनका तो कुछ नहीं होता है, इनका रिपेयर कुछ नहीं होता है, बस इनका एसेसरीज पूरा आता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू है, मतलब कितना सुंदर लग रहा है, बढ़िया। इसका भी सेटअप कर दिया हम पूरा, इसको अब यहाँ से हटा देते हैं और दूसरा लेके आते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। 580 का ये है टैंक, 580। इसकी भी अनबॉक्सिंग करता हूँ, जिसको भी चाहिए हो ना तो आके कॉन्टेक्ट कर सकता है या कॉल कर सकता है या हमारे शॉप में डायरेक्ट आ सकता है। वाह, ब्लैक कलर बढ़िया है। और मैंने और भी कुछ एक्सेसरीज मंगाया था तो टैंक के साथ ही भेज दिया है उन्होंने। चलिए इसको निकाल लेता हूँ, अब इसी में गुस्सा बहुत लगती है। देखो दोस्तों, अभी टैंक फूटा हुआ निकला है, बताइए कितना लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। ये फूटा हुआ टैंक निकला है, ये देखिए फूटा हुआ टैंक है। 580 का हाल तो आपने देख लिया है, अब ये देखता हूँ उसका क्या है, 600 नंबर का क्या होता है। बहुत लॉस होते हैं दोस्तों, देख लीजिए, और कहते हैं कस्टमर डिस्काउंट नहीं मिलता, हालांकि सबसे सस्ती दुकान हमारी है और पूरा डिस्काउंट हमारे यहाँ रहता है। ये बिल निकल आया है, इसको बिल को किनारे कर देता हूँ। और इसमें वाइट कलर का क्यूरम निकला हुआ है, हालांकि वाइट कलर तो बहुत राजा कलर होता है, वाइट और ब्लैक बहुत ज़्यादा चलने वाले कलर होते हैं, अच्छे लग रहे हैं। अभी जैसा निकला हो तो देखता हूँ मैं। अब ये देखिए, ये भी फूटा हुआ निकला हुआ है, कितना नुकसान हो गया है। और वहाँ से मैंने बोला थर्मोकोल लगा के भेजना, थर्मोकोल लगाया तो नीचे साइड थर्मोकोल नहीं लगाया तो ये सारे डैमेज हैं। मेरे पास ये एरवाना स्टिक है, फ्रूट स्टिक, हिकारी का है, वर्ल्ड फर्स्ट में आता है, और ये मैंने मंगवा लिया है कस्टमर की डिमांड पे। जिसको भी चाहिए हो तो आके हमारे यहाँ परचेज कर सकता है, बहुत कम रेट में मिलने वाला है, तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आइएगा, लिमिटेड स्टॉक है। और हमारे पास ये ऑप्टिमम का 3-in-1 आया है, 800 ग्राम का, तो जिसको भी चाहिए हो तो ले सकता है, ये बहुत कम प्राइस में है अपने पास। और अपने पास आया हुआ है बाउल की लाइट N6, ये भी अपने पास मिल जाएगा, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। इसमें वाइट और ब्लैक कलर होता है, इसके अंदर मालूम पड़ेगा कौन सा कलर निकलने वाला है, बाकी और कहीं कुछ है नहीं। और हमारे पास आया हुआ है डिस्कवरी का, टायो डिस्कवरी का टर्टल फूट आया हुआ है 100 ग्राम का, ये भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही लो प्राइस पे अपने पास। फ्रेंड देखिए, अभी हमारे पास कुछ टैंक्स का मैंने अनबॉक्सिंग किया था, और उनमें से 2-3 टैंक मेरे चिटके हुए थे, नीचे की जो पेंदी होती है चिटके हुए थे, और मतलब चिटका मतलब फूटा हुआ है, साफ फूटा हुआ है। जो पैकिंग किया था बोला थर्मोकोल लगाया हुआ है, लेकिन थर्मोकोल नीचे साइड नहीं लगाया, तो उसके वजह से वो नीचे का ग्लास फूट गया। और उसको मैं हर बार बोलता रहता हूँ, भैया थर्मोकोल लगाओ ना, पैसे ले लो, चार्ज कर लो भाई, टैंक तो ना फोड़ो। अब आपको बताइए, 8-8, 10-10 हज़ार के टैंक फूट जाते हैं, तो बताइए उनका तो लॉस नहीं होता है, वो एडवांस पेमेंट में हमसे ले लेते हैं, एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद हमको माल भेजते हैं। हो गया जो होना था, हो गया है दोस्तों। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल जरूर कर दीजिएगा जो अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा शेयर करें, ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए बाद में मिलते हैं, ओके बाय।